सभा में उपस्थित सभी लोग ध्यान से सुने। आज की सभा में एक सवाल पूछा जाएगा, जो इसका जवाब देगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम स्वरूप दिया जाएगा। सवाल ये है, मनुष्य का ऐसा कर्म बताओ, पीढ़ी दर पीढ़ी खाते जाओ, इसका जवाब जो देगा उसे इनाम दिया जाएगा। मंत्री जी, क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है? नहीं महाराज, इस सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं है। अगर आप मुझे थोड़ा समय देंगे तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। क्या इस सभा में कोई इसका जवाब दे सकता है? किसी के मुंह से कुछ जवाब नहीं आया। राजा ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया कि इसका जवाब ढूंढ कर लाएं। सभी मंत्री सवाल के जवाब के लिए अलग अलग दिशा में निकल गए। अरे नहीं, लगता है इस साल भी फसल नहीं हो पाएगा। हर साल फसल लगाता हूँ, पर इस वक्त पे कभी सूखा हो जाता है तो कभी बाढ़ आ जाता है। अब क्या करें? चलो जमींदार से कुछ उधार लेकर आता हूँ, शायद उससे कुछ दिन का गुजारा चल जाए। आहा, कितना स्वादिष्ट आम है, मजा आ गया। अरे जमींदार जी, मुझे कुछ राशन उधार में दीजिए, मैं आपके खेत में काम करके सारे पैसा चुका दूंगा। अरे ओ किसान, तुम मुझे पागल समझने की भूल मत करना। मेरा नाम भले ही दीनानाथ है, पर मैं किसी की मदद नहीं करता। पैसे हाथ में है तो बात करो, वरना यहीं से रास्ता नापो। बड़ी आस लेकर आया हूँ आपके पास जमींदार जी, कुछ तो दे दीजिए। अच्छा, कुछ भी दे दूं तो चलेगा? ये ले मेरा झूठा आम, रख ले। जमींदार कमलों के झोली में जबरदस्ती झूठा आम को डाल देता है और हंसने लगता है। कमलों किसान अपमान सहकर वहां से चला गया। क्या हुआ जी, आप उदास लग रहे हैं? अब तुम्हें क्या बताऊं रजनी, तुम तो जानती ही हो, मैं बस जमींदार जी के पास गया था। कोई बात नहीं, आप उदास मत होना। आप अगर ऐसे उदास रहोगे तो कैसे चलेगा? अरे रजनी, सुना है कोई नया दुकानदार आया है, वो काम के लिए आदमी खोज रहा है, मैं जाकर देख आता हूँ। ठीक है जी, आप जाइए, मैं आपका इंतजार करूँगी। भगवान करे आपको काम मिल जाए। नमस्कार सेठ जी। कौन हो भाई, क्या चाहिए? मैं आपके पास काम के लिए आया हूँ। सेठ ने कमलू को काम में रख लिया। पूरा दिन कमलू सेठ के दुकान में काम करता रहा, सब कुछ ठीक था, पर सेठ हमेशा चिंतित रहता था। क्या बात है सेठ जी, आपके पास इतनी दौलत है फिर भी आप चिंतित रहते हैं? अरे क्या बोलूं कमलू, यही तो चिंता का कारण है। इतना दौलत है, कभी कोई चोरी कर गया तो, कहीं आग लग गया तो, बस यही डर सताते रहता है, रात को भी नींद नहीं आता। कमलू को सेठ की बात कुछ हजम नहीं हुआ। सेठ की बातें कमलू सुनकर चुप रह गया और अपना काम करने लगा। दोपहर होने को थे कि तभी सेठ के एक पुराने मित्र दुकान पर आता है। और कैसे हो लाला, दुकान तो बढ़िया चल रहा है ना? अरे दिनेश भाई, कैसे हो, बहुत दिनों बाद आए, कैसा चल रहा है तुम्हारा कपड़ों का व्यापार? सब ठीक है, पर क्या बताऊं लाला, छोटे से ठेले से कारोबार शुरू करके आज इतना बड़ा व्यापारी तो बन गया, पर परिवार में शांति नहीं मिल पाया। क्यों, क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे क्या बोलूं भाई साहब, मेरा लड़का हमेशा नशे में रहता है, ना कोई काम करता है, ना मेरा कोई काम में हाथ बटाता है, कुछ बोलो तो खाली झगड़ा ही करते रहता है। मेरा भी यही हाल है भाई, क्या बताऊं। इस तरह दोनों बातें करते करते दिन ढल गया। कमलू दोनों की बातें सुन रहा था, तभी सेठ ने कमलू को कुछ पैसे देकर घर जाने को कहा। कमलू राशन खरीद कर घर को निकल जाता है। कैसा रहा जी आज का काम? आज का काम तो अच्छा रहा, पर शांति नहीं, दिन भर जमींदारों का रोना धोना। चलो छोड़ो ये सब, ले लो राशन और जल्दी से खाना बना लो।
रोज की तरह कमलू आज भी दुकान पहुंचा। जैसे ही कमलू ने दुकान पहुंचा, उसके तो होश ही उड़ गए। उसने देखा कि लाला के दुकान में आग भड़क रही है, चारों तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है। अब क्या बताऊं कमलू, जिसका डर तो वही हुआ, अब तुम जाओ कोई दूसरा काम खोज लो। कमलू निराश होकर घर की ओर जाने लगता है, तभी रास्ते में दूसरी ओर से तीन साधु भी कमलू की ओर चले आ रहे थे। क्या बात है बेटा, इतना उदास क्यों हो? क्या बताऊं बाबा, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। कमलू बाबा से इतना कहकर आगे निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा के मंत्री की नजर कमलू पर पड़ता है। अरे भाई क्या हुआ, सब ठीक तो है? कोई समस्या है क्या? अगर तुम बोलोगे तो मैं राजा जी से बात करूं। अरे नहीं मंत्री जी, मैं ठीक हूँ। मंत्री से थोड़ी बात करने के बाद कमलू आगे निकल जाता है। कमलू घर पहुंच जाता है और पत्नी रजनी को सारी आपबीती बता देता है। रजनी ये सब सुनकर कमलू को आराम करने को कहता है। एक दिन तीन साधु धन सफलता और प्रेम भीषण कर रहे थे, घर घर जाकर लोगों की परीक्षा ले रहे थे। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, कोई घर पर है, दरवाजा खोलिए। प्रणाम है बाबा, बोलिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? बेटा हम तीन साधु आज तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं, धन सफलता और प्रेम, बोलो तुम पहले किसको अपने घर बुलाओगे? मैं तो गरीब हूँ, मेहनत कितना दिन करूँगा, धन को ही मांग लेता हूँ, मैं जल्दी से धनवान बन जाऊंगा, हाँ यह मेरे लिए अच्छा होगा। साधु महाराज, मुझे धन की आवश्यकता है, इसलिए आप में से जो धन है वह मेरे घर के अंदर आ सकते हैं। हे मूर्ख व्यक्ति, लगता है तुम लालची हो, इसलिए तुमने कुछ और नहीं सोचा, सिर्फ धन को ही सोचा। अब हम यहाँ से जाते हैं और कभी इस दरवाजे पर नहीं आएंगे। अरे अरे रुकिए, तो अच्छा खासा अमीर बनने वाला था, चले गए। तीन साधु और एक घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और आवाज देने लगते हैं। बेटा हम तीन साधु हैं, धन सफलता और प्रेम, तुम किसे घर के अंदर बुलाना चाहोगे? बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, आज तक मुझे किसी काम में सफलता नहीं मिली है, आज तो सफलता मेरे घर पे आके खड़ा है, सफलता को ही मांग लेता हूँ। मुझे सफलता चाहिए बाबा, आप में से जो सफलता है वह मेरे घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। हे मूर्ख व्यक्ति, लगता है तुम आलसी इंसान हो, इसलिए बिना मेहनत की सफलता पाना चाहते हो। अब हम यहाँ से जाते हैं और कभी इस घर पर कदम नहीं रखेंगे। इस तरह तीनों साधु गांव-गांव घर-घर जाते थे और लोगों से पूछते थे कि सबसे पहले वह किसे घर बुलाना चाहेंगे, लेकिन लोग लालच में धन और सफलता का ही मांग करते थे। अब तीनों साधु निराश होकर कमलू के घर पहुंच जाते हैं। भिक्षाम देही, साधु तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, दरवाजा खोलिए। साधुओं की आवाज सुनकर कमलू घर से बाहर निकलता है। प्रणाम हे साधु महात्मा, बताइए कैसे आना हुआ? बेटा हम तीन साधु हैं, धन सफलता और प्रेम, सबसे पहले किसे तुम अपने घर बुलाना चाहोगे? धन को बुलाऊंगा तो कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि लाला को भी कभी शांति नहीं मिली। अगर सफलता को भी बुलाऊं तो भी घर में शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि लाला के दोस्त इतनी सफलता के बाद भी कभी उसको शांति ही नहीं मिला, इसलिए प्रेम को ही बुलाता हूँ, हाँ यही बेहतर होगा। हे साधु महात्मा, मुझे धन और सफलता नहीं चाहिए, मुझे मेरे घर में प्रेम चाहिए, इसलिए आप में से जो भी प्रेम है वह सबसे पहले मेरे घर पधार सकते हैं। बेटा आज तक हमने कई घरों को जा चुके हैं, लेकिन सबके जवाब धन और सफलता पर ही था, लेकिन तुमने प्रेम को चुना, यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत हुई है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ सफलता और धन अपने आप ही आ जाते हैं। अब तुम्हारे पास भी धन होगा, शोहरत होगा, सभी कामों में सफलता मिलेगी। इतना कहकर तीनों साधु अंतर ध्यान हो जाते हैं।
यह सब रजनी भी सुन रही थी। रजनी को बातें समझ नहीं आई। सुनो जी, ये तीनों साधु ने कहा कि हमारे घर भी धन और सफलता होगा, पर उन्होंने तो बिना कुछ दिए ही चले गए। अब बताओ, धन कहाँ और कैसे आएगा? ऐसा नहीं है रजनी, यह सब समय के अनुसार ही चलता है। अभी इंतजार करो तुम। अच्छा रजनी, जरा देखो तो मेरे झोले में काफी समय पहले एक आम था, उस आम की गुठली को लेकर आओ तो। चलो आज हम आम के पेड़ को ही लगा लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, अभी लेकर आती हूँ। रजनी काफी पुराना झोला से एक आम की गुठली को लेकर आती है और दोनों पति पत्नी मिलकर घर के बाहर बाड़ी में आम के पेड़ को लगाते रहते हैं कि तभी मंत्री भी वहाँ घूमते घूमते पहुँच जाता है। अरे ओ किसान भाई, क्या कर रहे हो? अरे मंत्री जी, आप यहाँ कैसे? मंत्री जी, आज हमारे पास कोई काम नहीं था, इसलिए सोचा चलो आज हम आम की गुठली को ही लगा लेते हैं। कल जब यह पेड़ बड़ा हो जाएगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी इसको खाएगा। आम का पेड़ लगाएगा, आने वाला पीढ़ी खाएगा? अरे ये क्या बोल दिया भाई, आपने तो सवाल का जवाब ही दे दिया। सवालों का जवाब? मैं कुछ समझा नहीं मंत्री जी, आप क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, आप 100 स्वर्ण मुद्राएं जीत चुके हैं। 100 स्वर्ण मुद्राएं? मैं कुछ समझा नहीं मंत्री जी। अरे भाई, राजा ने एक सवाल किया था और उस सवाल का जवाब जो भी देगा उस व्यक्ति को राजा 100 स्वर्ण की मुद्राएं देंगे, और आज उस सवाल का जवाब तुमने अनजाने में दे दिया। अब चलो राजमहल जल्दी से चलते हैं। मंत्री कमलू को लेकर राजमहल पहुंच जाता है और राजमहल पहुंचकर मंत्री कमलू को राज्यसभा में पेश करता है। महाराज, यही वो किसान है जो आपके सवालों का जवाब देंगे, इनके पास आपके सवाल का जवाब है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कमलू है महाराज, और मैं एक किसान हूँ। अच्छा तो कमलू, तुम एक बार फिर से मेरे सवाल सुन लो। मनुष्य का ऐसा कर्म बताओ, पीढ़ी दर पीढ़ी खाते जाओ। इसका जवाब पेड़ है महाराज, आज हम अगर फलदार पेड़ लगाते हैं तो वह कल बड़ा होकर हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए फल प्रदान करेगा, जिससे हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी फल को खाते रहेंगे। अगर आज हम यह कर्म करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी वर्षों वर्षों तक उस फल को खाएगा। वाह वाह किसान, बहुत खूब, तुमने तो मेरे सवाल का सटीक जवाब दे दिया। सेवकों, कमलू किसान को 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में भेंट किया जाए। कमलू को 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में मिल जाता है, पर कमलू किसान चालाक है, इनाम के बाद उसने राजा को ही सवाल कर दिया। धन्य है महाराज, आपने इस गरीब को सहारा दिया। महाराज आप आज्ञा दे तो मैं आपसे एक सवाल रखना चाहूंगा। बोलो कमलू, तुम क्या सवाल करना चाहते हो मुझसे? महाराज, मान लीजिए आपकी राजमहल में 3 व्यक्ति खड़े हैं, जिनमें से एक धन है, एक सफलता है और एक प्रेम है, आप किसको पहले बुलाना चाहेंगे? मनुष्य के लिए धन अति आवश्यकता होती है और धन के लिए लोग मेहनत करते हैं, इसलिए लोग धन की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, इसलिए हम धन को बुलाना चाहेंगे। नहीं महाराज, अगर आप धन को बुलाएंगे तो दिन रात आपको धन की चिंता सताती रहेगी। धन तो मिल जाएगा लेकिन शांति कभी नहीं मिल पाएगी। अच्छा तो फिर सफलता को बुलाएंगे तो क्या होगा? महाराज, अगर आप सफलता को बुलाते हैं तो बिना मेहनत के मिला हुआ सफलता इंसान को आलसी बना देता है, इसलिए कभी भी अचानक मिले सफलता से आदमी को खुश नहीं होना चाहिए। मेहनत से मिला हुआ सफलता इंसान को खुशहाली, समृद्धि और सम्मान प्रदान करता है, इसलिए हे महाराज, अगर आपके दरवाजे में 3 व्यक्ति खड़े हैं, धन, सफलता और प्रेम, तो सबसे पहले प्रेम को बुलाना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रेम आते हैं वहाँ धन और सफलता भी खुद ब खुद आ ही जाते हैं, क्योंकि जहाँ प्रेम है, प्यार है, वहाँ धन और सफलता का वास होता है। वाह किसान, तुमने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी। इंसान को धन से कहीं ज्यादा प्रेम की आवश्यकता होनी चाहिए, जिससे कि वह अपने इस 4 दिन के जीवन को अच्छी तरह से प्रेम पूर्वक जी सके। सेवकों, कमलों को हमारी ओर से इनाम में और 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। इस तरह कमलू किसान को 100 नहीं, 100 की जगह 200 स्वर्ण मुद्राएं इनाम स्वरूप मिल जाता है। मुद्राओं को लेकर खुशी खुशी कमलू अपने घर को जाता है।